This Sunday I am again with a new video and this is very important video because ये हमारे newborn delivery से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि delivery के लिए आजकल maternity centers हैं, government hospitals हैं, जहां हम delivery के लिए जाते हैं, हमें एक normal delivery या cesarean section के through हमें एक baby मिलता है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आपको newborn baby मिलते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले जब baby born होता है, तो आपको एक pediatrician नियुक्त किया जाता है। उस पीडियाट्रिशियन के क्या रोल होते हैं, आपको क्या क्या प्रश्न उनसे पूछना चाहिए, तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि बेबी को हम सबसे पहले असेस करते हैं कि बेबी टर्म बेबी है या प्री टर्म बेबी है। इससे क्या मतलब होता है, कोई भी बच्चा अगर 37 सप्ताह के बाद बॉर्न होता है तो एक टर्म बेबी होता है, लेकिन वहीं अगर वो 37 सप्ताह से पहले जन्म लेता है उसको हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं, जिसको मैं आगे के वीडियोज में प्री टर्म बेबीज के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज की हमारे मुद्दे हैं न्यू बॉर्न केयर से जुड़ी हुई, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें एक पेडियाट्रिशियन एबगर स्कोर निकालते हैं। व्हाट इज एबगर स्कोर? इसमें हम देखते हैं कि क्या बच्चे ने जन्म लेते ही क्राई किया। सो फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाई? बिकॉज जब बेबी क्राई करता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करने लगता है, वो ऑक्सीजन इनहेल करता है। वहीं जहां डिलेड क्राइड होते हैं तो दिमागी रूप से जुड़े हुए कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः है बर्थ एस्फिक्सिया। अगेन मैं इन टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझाने में काफी लाभकारी होगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पूछना है कि क्या बेबी ने क्राई किया। क्राई करने के बाद हम ये देखते हैं कि बच्चे के जन्म का वजन क्या है। तो शायद आपको पता होगा कि 2 किलो 700 ग्राम एक एवरेज वेट होता है जिससे बच्चे को बॉर्न होना चाहिए। उससे कम बॉर्न वजन के साथ बच्चे अगर बॉर्न होते हैं उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल बेबी बॉर्न 2.7 से ऊपर है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वेट के बाद हमें देखते हैं कि बच्चे के जन्म लेने का समय क्या है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी अंकित होता है कि कौन से डेट कौन सा टाइम पे बर्थ है। इसके अलावा आपके बेबी को एक टैगिंग की जाती है, उस टैग से आपके बच्चे को चिन्हित किया जाता है, क्योंकि जब हम उस बच्चे को एनआईसीयू में ले जाते हैं वहां बहुत सारे बेबी होते हैं, पहचान के लिए जरूरी है। बच्चों के लेग का इम्प्रेशन डालते हैं, वो भी एक पहचान के लिए होता है। सबसे पहले एज अ पेडियाट्रिशियन हम लोग अभिभावक को दिखाते हैं कि देखिए बच्चा क्या है, उसके सेक्स डिटरमिनेशन को हम उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करते हैं जो कि पूरी तरीके से रिकॉर्डेड होता है, इट इज अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। उसके बाद जब हम बच्चों को पेरेंट्स से मिलवाते हैं, हम बच्चे को केयर में ले जाते हैं जहां पे बच्चों की अच्छे से सफाई होती है, उसके राइस ट्यूब डाल करके पेट की सफाई होती है जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड्स हो सकते हैं। सारी सफाई के बाद बच्चे को एक तापमान जो कि 28 से 30 डिग्री के बीच हम लोग रखते हैं, उसकी पूरी सफाई करते हैं, उसके सारे वाइटल्स मॉनिटरिंग चेक होते हैं। वहां हम देखते हैं कि बच्चे में कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से बच्चे किस तकलीफों और किस एनोमलीज के साथ पैदा होते हैं। यहाँ हम सिर्फ केयर की बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का सब कुछ वाइटल्स नॉर्मल है कि नहीं, कोई एनाटॉमिक एनोमलीज तो नहीं है, और इन सब के बाद हम बच्चे को वहां केयर के लिए रखते हैं। प्रथम अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम चाहते हैं कि आधे घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाएं, जो कि बहुत ही सर्वोत्तम होता है बच्चे के लिए। शुरुआती दौर में माँ का दूध ड्रॉप ड्रॉप के रूप में आ सकता है, जो कि कोलोस्ट्रॉम कहलाता है। कोलोस्ट्रॉम बहुत लाभकारी है, अगेन कोलोस्ट्रॉम विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो इन डिटेल। तो माँ का दूध हम नॉर्मल डिलीवरी में आधे घंटे के बाद और सीजीरियन सेक्शन में 4 घंटे के दौरान देते हैं। इस सारी चेकअप्स के बाद ही हम बच्चे को माँ के पास शिफ्ट करते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है माँ के पास शिफ्ट करने के बाद कि हम देखें कि फीडिंग प्रॉपर हो कि नहीं। जहां आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में लैक्टेशन एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं, जो नर्सिंग सिस्टर्स है वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो इसमें मैं फीडिंग पे अगर बताऊं तो बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पोजिशनिंग, देन लैचिंग एंड देन सकिंग। ये शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, बट धीरे धीरे नर्सिंग स्टाफ, पेडियाट्रिशियन, लैक्टेशन सपोर्ट के साथ माँ सक्षम होती है इन चीज को करने के लिए। अगर हम देखें तो प्रथम 24 घंटे में बच्चे ने स्टूल और यूरिन पास किया कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए औसतन बच्चा 6 से 8 बार यूरिन पास करता है एक दिन में। वहीं अगर हम स्टूल की बात करें तो ये अनगिनत होते हैं, जो कि 20 से 25 के संख्या में हो सकते हैं। बच्चा हो सकता है पहले दिन मेकोनियम पास करने के बाद 5 से 6 दिन तक पॉटी ना करे,
ये भी नॉर्मल है, हमें चिंतित नहीं होना है। अगर मैं बात करूं तो करीबन 15 चीजें ऐसी होती है न्यूबॉर्न में जो कि हमें देखने में एबनॉर्मल लग सकती है, बट वो बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। यही पेरेंट का रोल है जो आपकी इन बातों के प्रो एंड कॉन्स को समझाता है। अगर हम इससे आगे बढ़े तो ब्लड ग्रुप बच्चे का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे मायने होते हैं। अगर माँ आरएच निगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी नाम की एक तकलीफ होती है जिसके वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और जॉन्डिस की मात्रा काफी बढ़ जाती है बच्चे के ब्लड में। एक और ध्यान रखना है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी है, इसमें भी जॉन्डिस के पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम जॉन्डिस की बात करें, ए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस 30 घंटे बर्थ के बाद बढ़ना चालू करता है और हॉस्पिटल के स्टे के दौरान पेडियाट्रिशियन नियमित रूप से इसकी जांच करते हैं कि क्या यह थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर तो नहीं जाए। अगर जॉन्डिस बढ़ता है तो मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा कि जॉन्डिस के बारे में हाउ टू टेक एक्शन। मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें जिससे हम इस सोसाइटी में कुछ योगदान कर सके। थैंक यू।